कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। बेसिकली हम जानेंगे स्टेथोस्कोप के कितने हमारे पार्ट्स होते हैं और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कौन और इसका यूज़ हमारी कौन कौन सी डिजीज़ में होता है, देन इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले स्टेथोस्कोप किसने यूज़ किया था या किसने इसको मॉडिफाई किया था या सबसे पहले इसको कैसे हम यूज़ करते हैं किसने बताया था, तो इन सब के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं स्टेथोस्कोप क्या है। स्टेथोस्कोप क्या है, एक हमारा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है, जो क्या हमारे मेडिकल लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है, जो आपको हर डॉक्टर के पास मिलेगा, चाहे वो BOMS हो, MBBS हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास स्टेथोस्कोप होना जरूरी है। यस, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं तो आपके पास स्टेथोस्कोप अवेलेबल होना चाहिए और आपको यूज़ करना चाहिए। लाइक कुछ पेशेंट आते हैं जिनको बीपी की वजह से क्या है आँखों में बहुत सारी दिक्कत होती है, तो आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं तो आपके पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए, जिससे क्या है आप उनका क्या है हार्ट बीट रेट जो है वो देख सकते हैं या फिर उनके हार्ट बीट क्या है सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से। जैसे कि मैंने बताया था, नॉर्मल लैंग्वेज में हमें हमारे स्टेथोस्कोप को क्या है आला नाम से भी जानते हैं, जो क्या है काफ़ी स्टूडेंट्स का एक ड्रीम भी होता है कि हमारे पास स्टेथोस्कोप हो, हम मेडिकल लाइन में जाएँ। तो इसी के बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या है स्टेथोस्कोप है, ये हमारे दोनों क्या है ईयर पीस हैं, जो क्या है हम इसको कान में इस तरह से लगाते हैं। ये क्या हमारे दोनों ईयर पीस हैं। देन उसके बाद हमारा ये क्या है बाइनोरल है, ये हमारे बाइनोरल हैं, ये हमारा ट्यूबिंग है। देन ये हमारा क्या है बैल है, ये जो आप पीछे का पार्ट देख रहे हैं ये हमारा बैल है, इसको हम डायफ्राम या चेस्ट पीस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे इसके पार्ट्स हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। नॉर्मली जो मेडिकल लाइन के जो स्टूडेंट हैं उनको सभी को पता होगा इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो चलिएगा मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होता है, सबसे पहले स्टेथोस्कोप को अपने कान में लगाना होता है। अगर आप किसी भी पेशेंट का बीपी चेक कर रहे हैं या फिर आप चेस्ट पर हमें इसको लगाकर और जो हार्ट बीट है उसको सुनना होता है, तो इस तरह से पेशेंट को लगाकर हम हार्ट बीट सुनते हैं। वैसे हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, तो सबसे पहले जो स्टेथोस्कोप है वो किसने बनाया था या फिर किसने जो हम सबसे पहले 1860 में जो स्टेथोस्कोप का जो एक तरह से खोज कहें मीन्स, तो 1860 में फ्रांस में एक ल्यूनी नामक के एक व्यक्ति ने एक लकड़ी का स्टेथोस्कोप बनाया। देन उसने उससे सुनना चाहा कि जो हमारी हार्ट बीट जो होती है उसको हम कैसे सुन सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले 1860 में फ्रांस के ल्यूनी नामक एक व्यक्ति ने एक लकड़ी का स्टेथोस्कोप बनाया जिससे उन्होंने सुनना चाहा। देन उसके बाद उन्होंने एक खाली पाइप से लकड़ी के बाद उन्होंने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके सोचा क्यों ना एक खाली पाइप से मैं क्या है हार्ट बीट सुन सकूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे उसको मॉडिफाई किया गया और उसके बाद आज जो हमारा है ये स्टेथोस्कोप है, इससे काफ़ी और ज़्यादा मॉडिफाइड हो चुका है। बड़े बड़े जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके पास आपको एडवांस तरह के बहुत सारे स्टेथोस्कोप मिल सकते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल है जो बेसिकली हर जगह हर मेडिकल लाइन जो क्या है ये हमारा बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट है जो नॉर्मल है हमारा। इसकी जो प्राइस है 1000 में आपको कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके पास जो स्टेथोस्कोप होते हैं 1-2 लाख तक के भी स्टेथोस्कोप होते हैं, फिर उसमें सारे फंक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें समझ आ गया होगा कि हमारा स्टेथोस्कोप क्या होता है, इसकी क्या है सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी। 1860 में इसकी खोज फ्रांस के ल्यूनी ने की थी, ल्यूनी नामक एक व्यक्ति थे उन्होंने की थी। देन इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, सो अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हो तो आपके पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए ताकि आप अपने पेशेंट का ईजिली हार्ट बीट सुन सकते हो। और स्टेथोस्कोप से हम काफ़ी डिजीज जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा चेकअप करते हैं वो स्टेथोस्कोप से करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।